ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ। ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਆਪਕਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਗਾਰਡਨ ਲਵਰ। ਆਜ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਬਰਡ ਕ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕੇ ਉੱਪਰ। ਬਰਡ ਕ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰਾਫਟਿੰਗ, ਉਨਕਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ, ਸਕਸੈਸ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕੇ ਲੀਏ। ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਚੁਣਨਾ ਪੜੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਪੌਦੇ ਪੇ ਆਪਕੋ ਕ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ। ਬਰਡ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਰਡ ਚਾਹੀਏ, ਮੈਂ ਬਰਡ ਢੂੰਢ ਲੇਤਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੀਏ ये वाला बर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। ਆਪਕੋ ਬਰਡ ਐਸਾ ਲੈਣਾ ਪੜੇਗਾ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਗਰੋਥ ਪਕੜ ਲੈਤਾ। ਤੋ ਚਲੀਏ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਦਿਖਾਤਾ ਹੂੰ। ये मैंने पहले से कर रखी हैं। एक ब्रांच सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, मैं ये वाली ब्रांच सिलेक्ट कर रहा हूँ। यह बर्ड यूनियन, यहाँ से भी बर्ड निकलेगा, इसके ऊपर नहीं करनी है ग्राफ्टिंग। एक ये बर्ड यूनियन है, यहाँ से ये पिन इसके बीच में यहाँ पे सेंटर पे करनी होगी। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, एक टी शेप कट लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको शार्प चीज ब्लेड ले लीजिए, कटर ले लीजिए, कुछ शार्प चीज लेनी पड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड, पहले इसको टी शेप कट लगाना है।
मैंने एक ऐसे कट लगा लिए। और एक ऐसे कट लगाना, अब इसको खोलना है। बहुत ध्यान से करना पड़ता है। इसको खोल लीजिए कि बर्ड इसके अंदर अच्छी से बैठ अच्छी तरह बैठ सके। तो फ्रेंड, आपको जो भी बर्ड आप सेलेक्ट करें वो हेल्दी बर्ड होना चाहिए। ये तो आपको दिखाना है कि ग्राफ्टिंग कैसे करनी है करते हैं, तो तभी मैं ये ऐसे ही बर्ड ले रहा हूँ। वो फिर भी ये जो बर्ड है ऊपर निकल रहा है ना, इसको आप नीचे की तरफ से इसको ध्यान से काट लीजिए। अब शार्प ब्लेड की मदद से इसको निकाल लीजिए। ये देखिए, ये बर्ड आ गया। बर्ड को अच्छी तरह से ये बीच में इसके लकड़ी वगैरह जो लकड़ी का गुद्दा होता है उसको है तो निकाल लीजिए, उसको नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको हल्का हल्का सा ऐसे साफ कर लीजिए। ये आप देख रहे होंगे ये जो गुद्दा सा स्टिंग, इसको हल्का हल्का सा निकाल दीजिए। थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई बात नहीं। अब इसको हम यहाँ पे हमने टी कट लगाया वहाँ पर फिट करते हैं। इसको बड़ा ध्यान से इसके जो हमने कट लगाया उसके बीच में सेट कर लीजिए। जो बर्ड का हमने ये कटिंग लगाए इसको प्रॉपर यहाँ पे कटती है ना, उसके ऊपर जो बर्ड जा रहा है उसको बिल्कुल उसके साइज का ही होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा बाहर निकल रहा है उसको काट दीजिए। अब इसको आप सेलो टेप या किसी पॉलीथीन से इसको कवर करना पड़ेगा कि बीच में इसके पानी वगैरह ना जाए, ना पानी जाने से फंगस आ जाएगी और आपका बर्ड ख़राब हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से
कवर करना पड़ेगा। आपकी मदद से टाइटी टाइट आपको कराऊंगा कि बर्ड अपनी पकड़ बना सके, बीच में हवा भी ना जाने पाए। ध्यान से कीजिए, कहीं कांटा कांटे वगैरह हैं तो उसको रिमूव कर दीजिए। जो बर्ड पोर्शन है सिर्फ उसी को हमें बाहर छोड़ना पड़ेगा, बाकी को आप सारे को कवर कर दीजिए। ग्राफ्टिंग टेप भी मिलती है इसके लिए, आप टेप लेना चाहें तो टेप से भी कर सकते हैं ग्राफ्टिंग से। मैं तो ऐसे ही पॉलीथीन ही यूज़ करता हूँ। पॉलीथीन तभी निकालना है आपको जब ग्राफ्ट जो आपने ग्राफ्ट किया है बर्ड है वो अच्छी तरह से ग्रो होना शुरू हो जाएगा, तभी आप पॉलीथीन को रिमूव करें, नहीं तो आपका जो बर्ड है वो थोड़ा ग्रोथ पकड़ लेगा तो ही आप पॉलीथीन को रिमूव करें, नहीं तो आपका जो बर्ड है वो खराब हो जाएगा। जैसे ये ग्राफ्टिंग की हुई है मैंने, ये देखिए आप इसको पॉलीथीन से कवर भी कर सकते हैं कि बारिश वगैरह से बचाव, पानी ना जाए इसमें बचाव हो सके। अब जैसे मैंने वो वाली ग्राफ्टिंग की है उसके ऊपर मैंने उसको आगे वाली टहनी को काटा नहीं है, आप चाहें तो यहाँ से काट दीजिए। इसके ऊपर ये देखिए कलियाँ लगी हुई हैं, तभी मैंने इसको छोड़ दिया, मैंने काटा नहीं है इसको।
अब इसको पॉलीथीन से कवर तो नहीं कर सकता ना, अब इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया थोड़ा नीचे वाली तरफ। आप इसको करें तो बिल्कुल टाइटली आपको दिखाने के लिए मैंने किया है। आप यहाँ से इसको ब्रांच को काट दीजिए, फिर ही आप बर्ड ग्राफ्टिंग करिए कि आप पॉलीथीन वगैरह से उसको कवर कर सकें बारिश में पानी से बचाव के लिए। मैंने इस वाले रोज़ का बर्ड लिया है जो वहाँ पे मैंने दिखाया आपको ग्राफ्ट किया दूसरे पौधे पे, देखिए कितना सुंदर फूल है, काफी बड़ा फूल है ये। एक वाला एक ये पौधा मैंने ग्राफ्टिंग से इसे तैयार किया है। ये पौधा नीचे से जो शकर निकलते हैं उन्हीं से मैंने शकर को निकाल के थोड़ी सी जड़ वगैरह साथ में लेके उससे ये पौधा तैयार किया था। अभी थोड़ा सा ग्रोथ होने पे उसके ऊपर मैंने काट के बर्ड ग्राफ्टिंग की थी। अब देखो जी इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है, देख एक ये की हो तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ आप अपने चैनल, ये आपका ही चैनल है, इसको मेरी वीडियो को अच्छे से लाइक शेयर, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं प्लांट से रिलेटेड वीडियो आपको दिखाता रहूं। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।